आज शुरू कर रहे हैं 1.3 प्रश्नावली, 1.2 पूरी कंप्लीट हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करो आज प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 पहला प्रश्न है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, इस प्रश्न में अपन विपरीत मानेंगे, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर a/b लिखेंगे। ठीक है, जहां a और b कोई पूर्णांक है, जहां b≠0, जहां b जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो करो इसका क्रॉस गुणा, √5b बराबर a। अब दोनों पक्षों का ये रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों की घात क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी। √5b × √5b बराबर 1 की घात 2। जब भी कभी सेम नंबर का हो, अगर रूट के अंदर बंद हो और उनका आपस में इंटू किया जाता है तो उसको एक बार लिख देना, और b b की पावर 2 हो जाएगा, 1 की पावर 2। अब यहाँ ये 5 जो है a को भी विभाजित करेगा और 1 की घात 2 को भी विभाजित करेगा, इसको तो समीकरण नंबर 1। 5 a को विभाजित करता है तो 1 की घात 2 को भी विभाजित करेगा। अब ये 5 जो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और a को भी कर रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ मानो कि ताकि b को भी विभाजित कर सके 5। तो माना a बराबर सी के, a बराबर 5c मान लीजिए आप, या 5k मान लीजिए, कुछ भी ऐसे मान सकते हैं। a की जगह अपन b भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ अपन को b नहीं मानना। ठीक है, तो समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो ये समीकरण जो आपको दिखाई दे रही, 1 जहां आपको a दिखाई दे रहा है वहां पर 5k रखना, 5b की पावर 2, और जहां a दिख रहा है वहां पर 5k रखो, पावर 2, 5b की घात 2 बराबर 5×5=25 k की घात 2। अब ये डिवाइड हो रहा है, कट रहा है एक दूसरे से, 5×5=25, तो b की घात 2 बराबर 5 k की घात 2। अब जैसा कि आपने समीकरण 1 में देखा 5b² बराबर 1 की घात 2, अब ये 5 जो थे a को विभाजित करेगा और a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी, 5b को विभाजित करता है तो b² को भी विभाजित करेगा।
अब इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर दो। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण एक, ये एक आपको दिखाई दे रही, और ये समीकरण नंबर दो, दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा, पाँच। एक को विभाजित कौन कर रहा है, पाँच, और बी को विभाजित कौन कर रहा है, पाँच। समीकरण एक व समीकरण दो में पाँच उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि रूट पाँच एक परिमेय संख्या है, किंतु शुरू शुरू में अपन ने क्या माना था, परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, पर क्या माना था, उल्टा माना था, परिमेय संख्या माना था रूट पाँच को, परंतु यह हमारे द्वारा विपरीत मानने पर रूट पाँच परिमेय संख्या हुआ। अतः रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।